नमस्ते, मैं शौर्बानी राय। मेरे सहजे सुस्वादु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन ट्रेडिशनल खाना प्रॉन मलाई करी यानी प्रॉन कोकोनट करी बना के दिखाऊंगी। ये वीडियो को ध्यान से देखिए, ये कम्प्लीटली मेरा ओन रेसिपी है। ऐसे बनाने से आप किसी भी रेस्टोरेंट के स्वाद को हार मना सकते। देखते हैं ये बनाने में क्या क्या सामग्री चाहिए। एक छोटा चम्मच नींबू का जूस, नमक, हल्दी से झींगा मछली को मैरिनेट करके आधा घंटा रखना पड़ेगा। इससे मछली अच्छे से पकते हैं। छः सौ ग्राम प्रॉन, अदरक पेस्ट एक बड़ा चम्मच, प्याज पेस्ट पाँच बड़ा चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, एक छोटा टमाटर को बॉईल करके रखे खारे गरम मसाला दो तीन टुकड़ा, बारीक काटे हुए प्याज डेढ़ बड़ा चम्मच, शक्कर एक छोटा चम्मच, नारियल दूध एक मीडियम साइज नारियल से बनाया, घी तीन बड़ा चम्मच, सरसों का तेल, रिफाइन ऑयल, हरा मिर्च तीन से चार, रेड चिली और कश्मीरी चिली पाउडर को मिला के एक बड़ा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, फ्रेश क्रीम एक बड़ा चम्मच, काजू पेस्ट पाँच छः सात टुकड़ों को पानी में भिंगो के रखना पड़ेगा, तेज पत्ता दो, सरसों का तेल से मछली को फ्राई करना पड़ेगा। प्रॉन को फ्राई करेंगे, बाकी पकवान रिफाइन ऑयल से करेंगे। सरसों का तेल नहीं मिलने से आप रिफाइन ऑयल से भी काज चला लेंगे। इसे स्वाद और खुशबू बहुत बढ़िया होता है। मछली को फ्राई करने के बाद जो तेल है उसे मछली का ब्रेन के स्वाद भी रह जाएगा, उसे टेस्ट अच्छा होता है। दो से तीन बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल और आधा घी डाल दिया। खड़े मसाला को टुकड़ा करके तेल में डालेंगे, तेज पत्ता, बारीक कटे हुए प्याज अच्छे से फ्राई करके, ऐसा होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही प्याज पेस्ट को डाल देंगे। अदरक पेस्ट, शक्कर अच्छे से तल लेंगे। अदरक पेस्ट, बॉईल किए हुए टमाटर को ऐसा करके पेस्ट करेंगे, उसका सीड और स्किन को निकाल देंगे। इसे टमाटर का स्वाद आता है लेकिन स्मेल नहीं आता है।
दोनों ही चिली पाउडर, हल्दी, नमक, नारियल दूध, सारे मसालों को अच्छे से मिला के ढक्कन दे के बॉईल आने तक वेट करेंगे। बॉईल आ गया ग्रेवी में, अब फिश को डाल देंगे। ग्रेवी बॉईल होने लगा, करी बन गया, अब काजू पेस्ट डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर, हरा मिर्च, घी, फिर से ढक के चूल्हा को धीमी करके रख देंगे लगभग 5 मिनट रख देंगे। अच्छे से पकवान हो गया। अब ऊपर से 1 चम्मच फ्रेश क्रीम को डाल देंगे। चूल्हा को बंद करके कढ़ाई को ढक के 5 मिनट रोकेंगे। अब हो गया लजीज मलाई करी यानी झींगा मछली करी रेडी। देखने से ही पता चल रहा है कितना स्वादिष्ट हुआ है ये पकवान। मैं बहुत थैंकफुल ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप सब ने बहुत ही प्यार से मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से बेल आइकॉन को टच कीजिए मेरा नया नया रेसिपीज के लिए। धन्यवाद।